नमस्कार, मैं भाग्यश्री वीकेबी न्यूज के दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा पुरस्कृत लोकक्रांति पैनल के विरोध में शिवसेना का आंदोलन, मनपा कर्मचारी बैंक घोटाला को दर्शाया विरोध। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, राष्ट्रपति के नाम का दिया ज्ञापन। देशमुख होम्स कॉम्प्लेक्स में पानी की समस्या को लेकर डोंबिवली के महिलाओं का आमरण उपोषण, सबकी नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर। विस्तार से आज सुबह 11:30 बजे शहर के गणेशपेट परिसर में भाजपा पुरस्कृत लोकक्रांति पैनल और नागपुर मनपा कर्मचारी बैंक के घोटाले के विरोध में शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व शहर संगठक किशोर पराते, शहर प्रमुख प्रवीण बरड़े व अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। पिछले 3 महीने से पांढरकवड़ा शहर में तेलंगाना राज्य में मोटरसाइकिल चुराकर पांढरकवड़ा शहर में बेचने का रैकेट चल रहा है। 15 जून को शाम करीब 7 बजे पांढरकवड़ा पुलिस ने ट्रिपल सीट और लाइसेंस जांच अभियान चलाया। इस अभियान के चलते पुलिस जब 3 वाहनों के ऊपर शक होने पर थाने ले आई तो तीनों वाहनों का मालिक आदिलाबाद के होने का पुलिस को पता चला। शक होने पर पुलिस ने संशयितों से गाड़ी के असली मालिक को बुलाने के लिए कहा तो पता चला कि गाड़ी शफीक से 10,000 रुपये में खरीदी गई है। पुलिस ने शफीक के ठिकाने का पता लगाया तो पता चला कि वह तेलंगाना से मोटरसाइकिल लाकर बेचता है। थानेदार जगदीश मंडलवार ने फोन पर आदिलाबाद पुलिस को जानकारी दी। तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार यानी 14 जून की सुबह छापेमारी कर 23 दोपहिया वाहन जब्त किए। आरोपी शफीक बाबू खान, उम्र 32 साल, इस आरोपी के बारे में पता चला है कि उसने पिछले कई दिनों से राजीव गांधी सरकारी अस्पताल आदिलाबाद तेलंगाना से अधिकांश वाहन चुराए हैं और बेचते समय ग्राहक को वह आश्वस्त करता था कि वाहन उसका है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 10,000 से 20,000 रुपये में वाहनों को बेचने वाले आरोपी शफीक बाबू खान को राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में वाहन चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्री की रिपोर्ट। इस वर्ष वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर श्री पंकज चुग तथा सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री SD देशपांडे के निर्देशन में भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय रेल में RPF के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 14 जून को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया, नागभीड़, भंडारा, इतवारी, मोतीबाग, डोंगरगढ़, राजनांदगांव के अधिकारी एवं बल सदस्यों द्वारा यात्रियों को शीतल जल पिलाकर तृप्त किया गया। इसी क्रम में स्वच्छता अभियान, रन फॉर यूनिटी, वृक्षारोपण, योगा, स्कूली बच्चों को मिठाई एवं चॉकलेट्स बांटना तथा स्वतंत्रता सेनानियों का सत्कार समारोह, ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वही 15 जून को रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर एवं रेलवे पुलिस इतवारी के साथ संयुक्त रूप से बचपन बचाओ अभियान, जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान श्री पंकज चूक के मार्गदर्शन में एवं सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री SD देशपांडे इनके निर्देशन में श्रीमती शीतल पाटिल, महिमा बहुद्देशीय सामाजिक संस्था नागपुर, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, बचपन बचाओ अभियान टीम द्वारा पूर्व निर्धारित प्रोग्राम अनुसार इतवारी रेलवे स्टेशन में यात्रियों के साथ चलाया गया। आज सुबह 11 बजे देश में बढ़ती इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों की अतिवादी घटनाओं के विरुद्ध और हिंदू बेटी नूपुर के ऊपर किए जा रहे भद्दे आरोपों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिल्हाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। गेल्या अनेक वर्षांपासून देशामध्ये जो आतंकवाद वाढत आहे आणि त्या आतंकवादाला एक विशिष्ट समाज प्रत्येक सपोर्ट करत आहे। आपल्याला असं लक्षात येतं की गेल्या 2 शुक्रवारपासून भारतात नमाजानंतर पूर्ण भारतभर विभिन्न पद्धतीने आंदोलनं झाली, हिंसाचार झाला, अनेकांना त्रास झाला आणि या सगळ्याचं जे आहे हिंदू समाजाचं मॉरल कमी व्हावं, या देशातल्या सामान्य माणसाला भीती वाटावी, त्याच्या मनात भीती जागृत व्हावी, हा सगळा प्रयत्न सुरू आहे आणि याच्या विरोधात विश्व हिंदू परिषदेने ठरवलं की आम्ही पूर्ण भारतभर आम्ही निवेदन द्यायचा कार्यक्रम करणार आहोत। खरंच आम्ही आंदोलन करणार आहोत, आम्ही निदर्शनं करणार आहोत, आम्ही धरणे देणार आहोत। पूर्ण भारतभर हे ठरलेलं, पूर्ण भारतभर हे होईल, पण नागपुरात आपली जी पोलीस प्रशासनाची जी काल बैठक झाली त्याने असं म्हटलं की बा सगळं असं आहे की देशामधलं वातावरण खराब आहे, नागपूरचं वातावरण खराब आहे। आज जरी शांत असलं
त्यांनी आम्हाला एक रिक्वेस्ट केली की तुम्ही धरणाचा कार्यक्रम करू नका, तुम्ही फक्त निवेदन द्यायचा कार्यक्रम करा. आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं की देशामध्ये शांती असावी, पोलीस प्रशासनाच्या त्या विनंतीला मान देऊन आम्ही आज तो धरण्याचा कार्यक्रम तो आम्ही रद्द करून आम्ही प्रशासनाला निवेदन दिलेलं आहे. पण निवेदन दिल्याचा अर्थ हा नाही की आम्ही घाबरलेलो आहोत. आमच्या मनात शेवट तेवढी उत्सुकता आहे की बा पुढे काय होणार आहे, कारण की उद्या परत शुक्रवार आहे. गेल्या 2 शुक्रवारमध्ये घडलेल्या ज्या घटना आहेत त्या घटनेच्या माध्यमातून लक्षात येते की हा समाज काही तसा ऐकत नाही. आम्ही प्रशासनाला मदत करतो, आम्ही प्रशासनाच्या सोबत आहोत, पण बाकीचा समाज प्रशासनासोबत आहे की नाही हे आम्हाला उद्या दिसेल. त्यामुळे आजचं जे आमचं धरण्याचं आंदोलन होतं ते मी आजच्या पुरतं स्थगित केलं असं आपण म्हणू शकतो. काँग्रेस नेता सोनिया गांधी की और राहुल गांधी पर हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की ओर से जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. इसी बात पर नाराज महाराष्ट्र युवा कांग्रेस की ओर से आज नागपुर में नरेंद्र मोदी और ईडी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. आपका स्वागत है. कोला शहर में एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते का पुनः आगमन हो गया है. ST कर्मचारियों ने उनका भव्य और उत्साह के साथ स्वागत किया. 11 अप्रैल को अकोट नगर पुलिस स्टेशन में एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते, उनकी पत्नी एडवोकेट जयश्री पाटिल और अन्य 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. यह मामला विजय मालोकर की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते अकोट जिला सत्र न्यायालय में पेश होने के लिए आए हैं. दोपहर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. डोंबिवली के देशमुख होम कॉम्प्लेक्स में हो रही पानी की समस्या के निवारण के KDMC प्रशासन और MIDC एक दूसरे पर उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे पर धकेल रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी अनुरोध किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर स्थानीय लोगों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सोनोने ने भूख हड़ताल शुरू कर दी. डोंबिवली के पूर्व में टाटा पावर क्षेत्र के पास देशमुख होम्स कॉम्प्लेक्स है. इस परिसर में 1350 फ्लैट धारक रहते हैं, लेकिन परिसर के निवासी पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. पानी के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पानी नहीं आता. KDMC प्रशासन और MIDC एक दूसरे पर उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे पर धकेल रहे हैं. देशमुख होम्स का पानी बूस्टर पंपों के साथ अनंतम और रीजेंसी जैसे बड़े आवास परिसरों की ओर मोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ के निवासी पानी से वंचित है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी पानी की समस्या के समाधान का अनुरोध किया गया है. अभी तक कोई समाधान नहीं निकलने पर स्थानीय लोगों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सोनवणे ने आखिरकार पानी के मुद्दे पर भूख हड़ताल का हथियार उठा लिया है.
देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। मी इथे 2010 पासून आले देशमुख होम्स मध्ये आणि पाणी समस्या 2003 पासून आहे। माझी लढाई सुरू झाली 2013-14 पासून आणि 2016 ला तुम्हाला पण माहिती आहे की तुम्ही सर्वप्रथम इथे आला होता। पाण्याचा त्रास इतका दिलाय, 1312 फ्लॅट्स आहेत सध्या आणि दुकानं वगैरे घेतली तर 1350 फ्लॅट्स आहेत। पण तेव्हापासून आजपर्यंत पाणी टंचाईला आम्ही इतकं त्रासलेलो आहे। आम्ही स्वखर्चाने सगळे उपाययोजना जे जे KDMC ने आम्हाला सांगितले सगळे केले। म्हणजे स्टार्टिंगला आमचे जेव्हा डिस्कनेक्शन केलं लाईनीचे ते आम्हाला 6 इंचाचं लाईन अप्रूव्ह केलं ते आम्ही सगळं खर्च करून स्वखर्चाने 13 लाख रुपये खर्च करून आम्ही ती पाण्याची लाईन आणली। तरी थोडे दिवस पाणी होतं परत बंद झालं। मग आता काय करायचं तर 6 इंचाची लाईन सांगून 4 इंचाची दिली होती। मग ते म्हणाले की ठीक आहे 4 इंचाची करून बघा। आम्ही ती 4 इंचाची केली, 1.5 लाख रुपये खर्च करून। परत त्याच्यानंतर ठीक आहे मग काही दिवस पाणी आला परत अपुरा पाणी। आता काय करायचं, झोनिंग करायचं। झोनिंग करायला परत 2.5-3 लाख रुपये खर्च करून आम्ही आता झोनिंग करून घेतली आहे 2-3 आठवड्यापूर्वी। तरी देखील आम्हाला पाणी जो पाहिजे 700 क्युबिक ते अजून काय आमच्या पाईपलाईनीमध्ये रेग्युलर दिसत नाही आहे। फक्त काय यांची उपाययोजना सांगितलं ना तेवढं केलं ना तात्पुरतं 8-6 दिवस पाणी दिसणार, त्याच्यानंतर परत त्यांचा प्रेशर डाऊन होतो। KDMCचं म्हणणं आहे की MIDC प्रेशर डाऊन करते। MIDCचं म्हणणं आहे की आम्ही असं काहीच करत नाही आहे। आता KDMCने मला लिखित दिलं आहे की कुठं अनंतमला पाणी वगैरे ह्यांनी बूस्टर लावून MIDCने वळवलेलं आहे, तर त्यांचा कोटा अप्रूव्ह नसताना तुम्ही त्यांना पाणी वळवू शकता। तर आमचा जो एक कधीचा कोटा आहे पाण्याचा, आमचे हक्क तुम्ही दुसऱ्याला कसं देऊ शकता? आम्ही आंदोलनं केली आहे, मोर्चा केला, सगळं केलं, मग आता हा उपोषणाचा खटक। यवतमाल के राजूर कॉलोनी में गुरुवार को एक 45 वर्षीय मकान मालिक की किराए का मकान खाली करने को लेकर हुए विवाद के चलते हत्या कर दी गई। इसका खुलासा 16 जून की सुबह हुआ। आरोपी फरार है। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। 40 वर्षीय राकेश केवट यह हत्यारे किराएदार का नाम है। वह 45 वर्षीय मृतक राजू पोचम बोधपेलवार के घर पर किराए से रह रहा था। मकान मालिक ने कई महीनों से किराया नहीं देने पर कमरा खाली करने की मांग की थी। 15 जून को मकान मालिक राजू ने राकेश से किराया मांगा तो दोनों में कहासुनी हो गई। बात मारपीट में बदल गई। कुछ देर बाद विवाद शांत हुआ। उसके बाद मकान मालिक सो गया, लेकिन गुस्साए किराएदार के दिमाग में कुछ और ही साजिश शुरू थी। उसने हमेशा के लिए झगड़ा खत्म करने का फैसला किया। सुबह 4 बजे किराएदार राकेश ने गुस्से में आकर घर के बाहर रखे सिलबट्टे को सोए हुए मकान मालिक राजू के सिर पर मारा, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो गई। सुबह पड़ोसियों को इस बात की जानकारी हुई तो परिसर में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक हत्यारा फरार हो गया। पता चला है कि डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। SDPO के मार्गदर्शन में दिग्रस में अवैध सट्टा अड्डे पर छापा मारा गया। SDPO के आदेश पर API सांगले ने वाहतूक उपशाखा दारवा PSI रत्नपार की पुलिस स्टेशन दारवा ने पेट्रोलिंग करते समय छापा मारा, जिसमें फेटरी निवासी 59 वर्षीय आरोपी रामकृष्ण गुलाब चौधरी महाराष्ट्र जुआ अधिनियम के तहत, इसी प्रकार 2 आरोपी अख्तर खान, गुलाब खान और फैजल खान, इन पर धारा 109 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान 17,270 रुपये नकद और गुलाबी रंग की फाइल्स और 3 टेबल और 4 अक्का बैरल ऐसे कुल 27,480 रुपये का माल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई SDPO आदित्य मिर्खेलकर द्वारा दारवा इनके आदेशानुसार API सांगले वाहतूक उपशाखा दारवा PSI रत्नपारखी पुलिस स्टेशन दारवा रेड SDPO आदित्य जी मिर्खेलकर द्वारा दारवा के विशेष मार्गदर्शन में की गई। तो अभी दोपहर की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।